क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 20 आओ। एन इंडिविजुअल इंटेंड्स टू रिटायर ऑन हिज 65th बर्थडे, मतलब रिटायर कब करेगा वो? 65th बर्थडे में रिटायर करेगा। इन एग्जैक्टली 4 ईयर्स टाइम, इन एग्जैक्टली 4 ईयर्स टाइम, मतलब 4 साल में रिटायर करेगा, जब उसका 65 एज होगा, ठीक है? तो आज उसका एज कितना है? 61। अगर बोल रहा है रिटायर करेगा 65th बर्थडे में इन एग्जैक्टली 4 ईयर्स टाइम, तो आज उसका एज कितना है? 61। द गवर्नमेंट विल पे अ पेंशन टू द इंडिविजुअल फ्रॉम एज 68 ऑफ 5,000 पर एनम मंथली इन एडवांस। द इंडिविजुअल वुड लाइक टू परचेज एन एनुइटी सर्टेन सो दैट इज इनकम इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट पेंशन, पेंशन होगा ये, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट पेंशन इज, वो स्पेस का प्रॉब्लम है, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट पेंशन इज 8,000 पर एनम, 8,000 पर एनम पेड मंथली इन एडवांस फ्रॉम एज 65 अंटिल इज 78 बर्थडे, मतलब 65 से 78, मतलब 13 साल उसको मंथली इन एडवांस 8,000 पर एनम चाहिए। ही इज टू परचेज द एनविटी बाय अ सीरीज ऑफ पेमेंट्स मेड ओवर 4 ईयर्स क्वार्टरली इन एडवांस स्टार्टिंग इमीडिएटली, क्वार्टरली इन एडवांस स्टार्टिंग इमीडिएटली। कैलकुलेट द क्वार्टरली पेमेंट्स द इंडिविजुअल हैज टू मेक इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज पेमेंट्स इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एनविटी ही विशेज टू परचेज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इफेक्टिव, 5% पर एनम इफेक्टिव का रेट है। सेप्टेम्बर 2011 का ये क्वेश्चन है, यूके बोर्ड का, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे डिकोड, आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे डिकोड। तो इस क्वेश्चन को डिकोड करने के लिए, इस क्वेश्चन को डिकोड करने के लिए सबसे पहले एक टाइमलाइन समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है ये, ठीक है? इसको डिकोड करने के लिए सबसे पहले एक टाइमलाइन समझेंगे। आज उसका एज है 61, क्योंकि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? वो 4 साल में रिटायर हो जाएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? कि वो 4 साल में रिटायर हो जाएगा, मतलब वो रिटायर कब होगा? 65 पे। 65 से 78 तक उसको अपना जीवन बिताने के लिए 8,000 पर एनम का इनकम चाहिए। मैं बोल रहा हूँ 65 से 78 तक 8,000 पर एनम का उसको इनकम चाहिए। एंड ये इनकम कैसे चाहिए? MIA, मंथली इन एडवांस। उसको ये वाला इनकम कैसे चाहिए? MIA, मंथली इन एडवांस, मतलब 13 साल मंथली इन एडवांस उसका टोटल मंथली, सॉरी 13 साल मंथली इन एडवांस उसको 8,000 पर एनम के रेट से। अरे भाई 8,000 तो एनुअल हुआ ना, मतलब हर महीना कितना चाहिए? 8,000 बाय 12, 8,000 पर एनम है ना, तो उसको मंथली कितना चाहिए? 8,000 बाय 12। अब कहानी में एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है? बोलता है 68 से ले करके 78 तक, 68 से ले करके 78 तक, कहानी में ट्विस्ट क्या है सुनना? 68 से ले करके 78 तक 10 साल तक गवर्नमेंट 5,000 पर एनम का उसको पेंशन देगा। गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या करने वाला है? 68 से ले करके 78 तक 5,000 पर एनम को उसका पेंशन देगा। उसको टोटल में 8,000 का चिंता था, 5,000 का जो चिंता है वो तो गवर्नमेंट ले लिया। कहाँ से कहाँ तक? 68 to 78। अब देखते हैं वो जो आदमी है उसका चिंता क्या है, उसका चिंता के बारे में चर्चा करते हैं। उसका चिंता क्या है देखना, 65 to 68 उसका चिंता है 8,000 पर एनम, 65 to 68 उसका चिंता है 8,000 पर एनम, 68 to 78 उसका चिंता है 3,000 पर एनम। समझ में आ रहा है? बिकॉज 5,000 तो गवर्नमेंट देगा ना, उसको टोटल में 8,000 चाहिए, टोटल में उसको 8,000 रुपया चाहिए, तो 3,000 का उसको चिंता है, बाकी 5,000 तो गवर्नमेंट देगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है? एक सेकेंड होल्ड करना,
नाउ एम आई ऑडिबल, नाउ एम आई ऑडिबल, नाउ एम आई ऑडिबल, प्लीज कमेंट यस देन वी कैन स्टार्ट. देखो यहां पर क्या लिखा है, देखो यहां पर क्या लिखा है, द इंडिविजुअल, क्या लिखा है देखना, द इंडिविजुअल वुड लाइक टू परचेज एन एनविटी सर्टेन. सर्टेन का मतलब क्या होता है, कैश फ्लो अगर मैं बोल रहा हूं होगा तो कैश फ्लो होगा, उसमें कोई दो बात नहीं है. सो दैट इज इनकम इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट पेंशन इज 8,000. इसका मतलब क्या है, उसका जो इनकम है उसमें गवर्नमेंट पेंशन को मिला के उसको टोटल कितना चाहिए उसके सर्वाइवल के लिए, 8,000. कहां से कहां तक चाहिए, 65 to 68. तो उसका चिंता टोटल में क्या था, उसका चिंता था यार मेरे को तो 65 to 78 8,000 का इंतजाम करना है. तो भगवान को बोला, भगवान प्लीज, भगवान प्लीज. तो बोला ओके, गवर्नमेंट उसको कहां से कहां तक का देगा, 68 to 78. पूरा देगा क्या, नहीं, कितना देगा, 5,000. तो उसका अभी भी चिंता रह गया, उसको 65 to 68 8,000 का चिंता है, एंड 68 to 78 उसको 3,000 का चिंता है. लेकिन अभी भी वो जवान है, अभी भी वो जवान है, बूढ़ा नहीं हुआ है, वो खट रहा है. तो 61 to 65 वो क्वार्टरली इन एडवांस, एक स्ट्रक्चर है बैंक का मान लो, इंश्योरेंस कंपनी का मान लो, वो उसमें क्वार्टरली इन एडवांस पेमेंट्स डालेगा 4 साल तक. 4 साल तक क्वार्टरली इन एडवांस, मतलब टोटल में 16 बार पेमेंट डालेगा. उसका जो अक्यूमुलेटेड वैल्यू होगा 65 पे, उससे वो जो एनविटी चाहता है वो उसको मिलेगा. देखिए मैं आपको फिर से समझाता हूं, बिकॉज इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मैं बोलना ये चाह रहा हूं, अब कहानी में क्या होगा देखना, वो 61 से 65 तक क्वार्टरली इन एडवांस पेमेंट्स करेगा. यहां पर क्वार्टरली इन एडवांस पेमेंट्स करेगा, तो इन सारे पेमेंट्स का अक्यूमुलेटेड वैल्यू आएगा यहां पर, इन सारे पेमेंट्स का अक्यूमुलेटेड वैल्यू आएगा यहां पर. एंड दिस अक्यूमुलेटेड वैल्यू एट टाइम 65 ऑफ द पेमेंट्स विल बी इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हिज चिंता, क्योंकि उसका चिंता का पहले वो प्रेजेंट वैल्यू निकाला. फॉर एग्जाम्पल उसके चिंता का प्रेजेंट वैल्यू आता है 2 लाख, तो वो बैंक में जाएगा और बोलेगा कि मेरे को 2 लाख रुपए चाहिए एट द एज ऑफ 65, बिकॉज 2 लाख एट 65 इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल हिज चिंता. एंड वॉट इज हिज चिंता, हिज चिंता इज दिस, हिज चिंता इज दिस. एंड अब क्या होगा, वो 65 जो है, वो जो 65 जो है, 65 पे उसको अक्यूमुलेटेड वैल्यू चाहिए 2 लाख रुपए का. देन द अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ हिज क्वार्टरली इन एडवांस पेमेंट फॉर 4 years शुड बी इक्वल टू वॉट, 2 लाख रुपया. इसका मतलब मैं एक इक्वेशन बना रहा हूं, देखना. लेट द क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट बी एक्स, लेट द क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट बी एक्स. तो अगर क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट एक्स है तो एनुअल इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगा, 4x. मत पूछना मुझसे ये सवाल, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था. यहां पर रेट क्या है, 5% पर एनम स्टैंडर्ड रेट है. अभी आज टेबल बुक यूज करना नहीं सिखाऊंगा, बिकॉज अभी आप लोग बच्चे हो, अभी आप लोग को कैलकुलेटर यूज करना है, अभी आदत गंदा नहीं करेंगे, ठीक है. तो जब भी तुम लोग कोई ऐसा काम करने को बोलते हो जो जनरली बड़े लोग करते हैं, तो मम्मी पापा क्या बोलते हैं, नहीं अभी तुम्हारा उम्र नहीं हुआ है. तो आज मैं भी आपको यही बोलूंगा, अभी तुम्हारा टेबल बुक यूज करने का उम्र नहीं हुआ है, ठीक है. अभी हाथ भी लगा दिया ना तो देख लेना, 4x. एस ड्यू, ड्यू किस लिए हो रहा है, ड्यू किस लिए हो रहा है, ड्यू किस लिए हो रहा है, एडवांस है. एस किस लिए हो रहा है, बिकॉज मेरे को अक्यूमुलेटेड वैल्यू चाहिए एनविटी का. एस ड्यू 4 साल के लिए, 1 साल में 4 बार एट द रेट 5%. Now this is the accumulated value of his quarterly in advance payments. Now this should be equal to 8,000 का उसको चिंता था, 8,000 ADU 12-3, क्योंकि 8,000 ADU 12-3 का मतलब क्या हो रहा है, 8,000 ADU 12-3 का मतलब क्या हो रहा है, 3 साल, 1 साल में 12 बार प्लस 3,000 ADU 12-10,
अच्छा ए ड्यू 12 10 करने का मतलब क्या हो रहा है पता है? ए ड्यू 12 10 करने का मतलब क्या हो रहा है, इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है ये कहाँ पर आएगा पता है? 68 पे आएगा, बिकॉज ये तो 68 से 78 तक के जो पेमेंट्स है उनका प्रेजेंट वैल्यू है 68 पे, लेकिन ये कहाँ पर खड़ा है? ये खड़ा है 65 में और ये खड़ा है 68 में। प्लस कर दूं क्या? नो, वी कैन नॉट। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको 3 साल पीछे लाना पड़ेगा, मतलब वी क्यूब। अब ये वाला जो पूरा है ये भी 65 पे है, ये वाला जो पूरा है ये भी 65 पे है, दोनों को इक्वल टू कर सकते हैं क्या? यस। आंसर निकालिए, आंसर निकालिए, आंसर निकालिए। आंसर निकालिए, सॉल्व करिए इसको, एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मेरा टास्क क्या है? एस ड्यू 4 4 को सॉल्व करना। तो ये कैसे होगा? 1.05 टू द पावर 4 माइनस 1 बाय आई 4, वेर आई 4 विल बी इवेल्युएटेड व्हेन आई इज 5%। एक ये निकालना है, उसके बाद में आएगा ए ड्यू 12 3। तो इसका क्या करेंगे, 1 माइनस 1.05 टू द पावर -3 बाय, सॉरी यहाँ पर डी होगा और यहाँ पर भी डी होगा, यहाँ पर होगा डी 4 और यहाँ पर होगा डी 12। एक बात मैं बता देता हूँ, एक बात मैं बता देता हूँ, कभी भी अगर यहाँ पर ड्यू हो ना, कभी भी अगर यहाँ पर जैसे, कभी भी अगर यहाँ पर जैसे ये है ना, ये जो है ड्यू, ये जो है ना ड्यू, तो कभी भी अगर ड्यू होता है ना तो नीचे में डी आता है। अगर कंटिन्यूअस होगा तो डेल्टा आएगा, और अगर अरियर में होगा, अरियर में होगा तो फिर क्या आएगा पता है? अगर अरियर में होगा तो फिर क्या आएगा? आई आता है। जैसे देखो ना, मंथली इन अरियर, मंथली इन अरियर तो क्या आना चाहिए? आई 12। क्वार्टरली इन एडवांस तो क्या आना चाहिए? डी 4। कंटिन्यूअस डेल्टा। आई होप से सबको समझ में आ रहा है वाला, कि नीचे में डी 4 क्यों लिखे हैं, कि नीचे में डी 4 क्यों लिखे हैं, यहां पर डी 12 क्यों लिखे हैं। ये सबको समझ में आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यस लिखना है। अगर ये सबको समझ में आया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यस लिखना है। अगर ये सबको समझ में आया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यस लिखना है। ओके तो एक और निकालना था मेरे को, ए ड्यू 10 12। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1.05 टू दी पावर -10 बाय D12। बिकॉज यहां पर एडवांस है ना, क्वार्टरली इन एडवांस है, तो क्वार्टरली इन, सॉरी मंथली इन एडवांस है, तो मंथली इन एडवांस का मतलब क्या है? D12। यहां पर क्या था? यहां पर आपका क्वार्टरली इन एडवांस था, तो क्वार्टरली इन एडवांस का मतलब क्या हो जाएगा? D4। अगर हाफ ईयरली इन एडवांस होता तो क्या होता? D2। ईयरली इन एडवांस होता तो क्या होता? D। इन सब का आंसर निकाल के बताइए क्या आ रहा है फाइनली। एक्स का आंसर क्या आ रहा है? एक्स का आंसर प्लीज बताना, एक्स कितना आ रहा है, एक्स कितना आ रहा है प्लीज बताना। अच्छा एक चीज जो मैं आप लोग को बता रहा था, जैसे मैंने कल क्या कराया था, ANP, तो ANP का मैंने क्या कराया था? 1 माइनस b टू द पावर n बाय ip। लेकिन अगर यहीं पर मैं ड्यू लगा दूँ ना, तो ये जो ip है, तो ये जो ip है बस खाली और कुछ चेंज नहीं होगा, ये अपना हो जाएगा dp। ठीक है, तो ये सबको याद रखना है, ये जो ADUPN है ना, बस खाली वहां पर जहां पर आईपी था। ऐसा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है?
कितना नंबर का आएगा? दो नंबर, तीन नंबर और कितना नंबर का आएगा? सो ए डी यू एन पी का मतलब क्या है? वन माइनस बी टू द पावर एन बाई डी पी, ठीक है? तो जहां पर ड्यू लग जाएगा नीचे में डी पी आ जाएगा, जैसे कि मैंने यहां पर बताया। तो इसका आंसर सबका आ रहा है 2414, सबका आ रहा है 2414, सबका आ रहा है। ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया, यस और नो ये बताना बस खाली, कि ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं आया, ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं आया बताना, तभी आगे बढ़ेंगे। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। द फोर्स ऑफ इंटरेस्ट डेल्टा टी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड एट एनी टाइम टी मेजर्ड इन ईयर्स इज ए प्लस बी टी। द फोर्स ऑफ इंटरेस्ट डेल्टा टी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम and at any time t measured in years is a plus bt, where a and b are constants. An amount of 45 invested at time 0 accumulates to 55 at time 5, 120 at time 10. मतलब 45 55 बनेगा 5 साल में and 120 बनेगा 10 साल में। हम लोग को a और b निकालना है, हम लोगों को a और b निकालना है, ठीक है? दूसरा वाला में बोला है कैलकुलेट द कांस्टेंट फोर्स ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दैट वुड गिव राइज टू द सेम अक्यूमुलेशन फ्रॉम 0 टू 10। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर 21 है ना ये, दिस इज क्वेश्चन नंबर 21, सितंबर, ये कब का क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 21 सितंबर 2011 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 सितंबर 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है? तो बहुत सिंपल है, 45 आज लगाया है, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन 0 से 5 a प्लस बी टी डी टी इज इक्वल टू व्हाट? 55, ये एक बनेगा और दूसरा क्या है? 45 एक्सपोनेंशियल 0 से 10 a प्लस बी टी डी टी इज इक्वल टू व्हाट? 120। ये दोनों इक्वेशन है और हम लोग के पास में दो ठो अननोन है, दो इक्वेशन है और दो ठो अननोन है, तो कैसे करेंगे देखना। सबसे पहले तो मेरे को निकालना पड़ेगा 5 साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर और 10 साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर। तो 5 साल का कराएंगे, श्रुति कराएंगे, परपेचुटी कराएंगे, परपेचुटी नहीं कराया वो कराऊंगा। सो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, आप ये वाला सम करो ना श्रुति, पहले जो करा रहा हूं आप पहले वो करिए, उस पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो करा रहे हैं उस पर ध्यान दो। सो 55 डिवाइडेड बाय 45, 55 डिवाइडेड बाय 45, 1.22222। तो पहला वाला क्या आ रहा है? 1.22222, 1.2222। और दूसरा वाला क्या आएगा? 120 डिवाइडेड बाय 45, दूसरा वाला आएगा 2.667, 2.667। अच्छा अब आइए, तो इसका आंसर क्या आएगा? at प्लस bt स्क्वायर, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हम लोग को, तो करते हैं चलिए। एक्सपोनेंशियल ए टी प्लस बी बाई टू टी स्क्वायर 0 से 5, तो क्या आएगा?
एक्सपोनेंशियल 5a प्लस 25/2 बी, ठीक है, ये पहला वाला आएगा. एंड ये क्या है मेरा, ये क्या है मेरा, ये है मेरा 1.2222. और दूसरा वाला, इसको अभी हम लोग क्या कर सकते हैं पता है, दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं, दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं. तो लॉग लेने से क्या हो जाएगा, 5a प्लस 25/2b इज इक्वल टू ln 1.2222 ऐसे आ जाएगा. ठीक है, तो ये मेरा एक इक्वेशन बन गया, ये मेरा एक इक्वेशन बन गया. सिमिलरली दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, सिमिलरली दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, 10a, दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, 10a प्लस 10a प्लस 50, एक मिनट, 10a प्लस 50b होगा ना, 10a, देखो ना 100/2b, a प्लस bt है ना, इज इक्वल टू व्हाट, ln, ln 2.667, 2.667, ठीक है, दिस इज माय इक्वेशन टू. तो अगर मेरे को करना है तो पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले को अगर मैं बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करना पड़ेगा ना, एलिमिनेशन मेथड से 2 से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करना पड़ेगा. तो अल्टीमेटली क्या आएगा, 25b माइनस 50b इज इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू ln 1.2222 माइनस ln 2.667. तो यहां से मेरा क्या आ रहा है, यहां से मेरा b का आंसर निकालो, फिर उसको डालो इक्वेशन में, और फिर ए का आंसर निकालो, यहां से बी का आंसर निकालो, उसको डालो एंड फिर ए का आंसर निकालो. फटाफट से ये वाला करिए, फटाफट से ये वाला करके दिखाइए. क्या आ रहा है ए और बी का आंसर, क्या आ रहा है ए और बी का आंसर, ए और बी का आंसर क्या आ रहा है बताना. भूमिका विजय वर्गी का एक जीरो कहां चला गया है, ए आएगा माइनस 0.0178 समथिंग एंड बी आएगा 0.023179 समथिंग. देखो यहां पर जो दिया भाई एकदम सही है, ये वाला बिल्कुल सही है एकदम, ये दोनों आ रहे हैं.
ये दोनों आ रहे हैं, तो हम लोग का वो बन गया डेल्टा टी का फंक्शन बन गया, हम लोगों का डेल्टा टी का फंक्शन बन गया है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है देखो, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मेरा ए का आंसर आएगा माइनस, मेरा जो ए है उसका आंसर आएगा माइनस 0.017, फिर उसके आगे आएगा, फिर बी का आंसर आएगा 0.023 और फिर उसके आगे आएगा, ठीक है। तो ये मेरा ए और बी का आंसर आ गया। अब हम लोग को बोला है एक ऐसा डेल्टा निकालने के लिए, अब हम लोग को क्वेश्चन में बोला है एक ऐसा डेल्टा निकालिए, एक ऐसा डेल्टा निकालिए जिसके लिए आपका जो अक्यूमुलेशन होगा 10 ईयर्स में वो सेम होगा। तो बहुत सिंपल है, 45 × e^10 डेल्टा इज इक्वल टू 120, बिकॉज कांस्टेंट डेल्टा निकालने बोला है ना। तो यहाँ से डेल्टा निकाल लो, यहाँ से डेल्टा निकाल लो, 120 डिवाइड बाई 45 का लॉग, करो इसको कितना आ रहा है, 45 × e^10 डेल्टा इज 120। तो क्या हो जाएगा, e^10 डेल्टा इज व्हाट, 120/45, e^10 डेल्टा इज व्हाट, 120/45, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट, ln 120/45 डिवाइड बाय 10, 0.09808, ये मेरा आंसर आ जाएगा, 0.09808। वेरी गुड अक्षत जैन, वेरी गुड, वेरी गुड अक्षत जैन। ओके, ये जो दोनों क्वेश्चन कराए ये सबको समझ में आया। इसमें अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज बेझिझक बोलिए, अगर पहला दो क्वेश्चन जो कराया है इसमें कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज बेझिझक बोलिए। ओके, यस सर समझ गए, यस सर समझ गए। हाँ, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। नहीं, हम लोग को तो शांतनु, हम लोग को तो 68 to 78 का ही करने बोला है ना, हम लोगों को 68 to 78 का ही करने बोला है हम लोगों को। ये वो क्या बोला कि 65 to 78 उसको 8,000 का इनकम चाहिए, हम लोग को तो उसके आगे का करने नहीं बोला। गवर्नमेंट पेंशन बंद करेगा कि नहीं करेगा ये सब तो कुछ लिखा नहीं है, गवर्नमेंट पेंशन देगा उसके लिए ये लिखा है। तो हम लोग को तो 65 to 78 का ही करने बोला है क्वेश्चन में। आइए क्वेश्चन नंबर 22, द फोर्स ऑफ इंटरेस्ट डेल्टा टी का हम लोग को फंक्शन दे दिया है। जस्ट वेट, मैं एक बार देख लेता हूं फंक्शन सही है कि नहीं है। 0.04 प्लस 0.003 t² 0.0, हाँ देखो इसमें हल्का सा गलती है, इसमें हल्का सा गलती है, ये जो है ना, ये जो है ये 0.01 होगा, इसको ठीक कर लेना प्लीज। ये वाला होगा 0.01 प्लस 0.03 t, ये होगा 0.01 प्लस 0.03 t, ठीक है इसको ठीक लेना। उसके बाद में बाकी सब इस क्वेश्चन में सही है, ये बस खाली एक तो ठीक कर लेना। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,000,
कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 ड्यू एट टाइम टी इज इक्वल टू 10. कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 ड्यू एट टाइम टी इज इक्वल टू 10. कैलकुलेट द कॉन्स्टेंट रेट ऑफ डिस्काउंट पर एनम कन्वर्टिबल क्वार्टरली. तो हम लोग को क्या निकालने बोला है? कॉन्स्टेंट रेट ऑफ डिस्काउंट पर एनम कन्वर्टिबल क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? D4 निकालने बोला है, ठीक है. तो विच वुड लीड टू द सेम प्रेजेंट वैल्यू, विच वुड लीड टू द सेम प्रेजेंट वैल्यू एज दैट इन पार्ट वन बीइंग ऑब्टेन्ड, विच वुड लीड टू द सेम प्रेजेंट वैल्यू एज दैट इन पार्ट वन बीइंग ऑब्टेन्ड. कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ कंटिन्यूअस पेमेंट स्ट्रीम पेएबल एट द रेट ऑफ 100 ई टू द पावर 0.01 टी फ्रॉम टाइम टी इज इक्वल टू 10 टू टी इज इक्वल टू 18. फ्रॉम टाइम टी इज इक्वल टू 10 टू टाइम टी इज इक्वल टू 18. सिर्फ एक चेंज था इस क्वेश्चन में जो अपने को करना है, लाइक डेल्टा टी जो है वो 0.01 प्लस 0.03 टी होगा. 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.03 टी होगा, ठीक है. तो आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे. तो एक एक करके करेंगे. दिस इज क्वेश्चन नंबर 22 फ्रॉम आवर मैट. दिस इज क्वेश्चन नंबर 22. ये है अप्रैल 2012 का क्वेश्चन. है तो सबसे पहले हम लोग को बोला है प्रेजेंट वैल्यू निकालने. टाइम 10 पे जो हुआ है तो 1000 इंटू वी 0 टू 10 करना पड़ेगा और इस v 0 टू 10 को हम लोग को ब्रेकअप करना पड़ेगा. कैसे करेंगे? v 0 टू 5 कैसे करेंगे ब्रेकअप इसका? v 0 टू 5 फिर होगा इंटू v 5 टू 8 फिर होगा इंटू v 8 टू 10. कहीं पर कोई भी चीज़ गलत लगे, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ मेरे को बता देना, ठीक है. सिंस वी आर रिकॉर्डिंग इन एन एम्प्टी क्लास सो थोड़ा वो अनकॉन्शियस हो जाते कभी कभी. दिस इज इक्वल टू 1000 एक्सपोनेंशियल माइनस इंटीग्रेशन 0 से 5 0.04 प्लस 0.003 टी स्क्वायर डेल्टा टी डेल्टा टी इज 0.04 प्लस 0.003 टी स्क्वायर. ये एक हो गया 0.003 टी स्क्वायर इंटू डी टी, ये पहला वाला हो गया. इंटू एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन माइनस टाइम 8 से टाइम 5 पे लाना है तो 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.03 टी डी टी 0.01 प्लस 0.03 टी डी टी, ठीक है. फिर इंटू ई टू द पावर माइनस 0.02 इंटू 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 0.02 इंटू 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 0.02 इंटू 2. ये वाला इक्वेशन में किसी को भी दिक्कत है? ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें किसी को भी दिक्कत है तो बताना. ये वाला जो एक्सप्रेशन बनाया इसमें किसी को भी कोई भी दिक्कत है तो बताना. नाउ इक्वल टू कितना आ रहा है सबका? 375.31. ये आ गया मेरा पार्ट ए का आंसर. चेक कर लेता हूँ एक बार मैं. 375.31. अब हम लोग को बोला D4 निकाल लें. देखो बहुत सिंपल है. 1000 1 माइनस डी फोर
बाय फोर, ये मेरा क्या हुआ, एक क्वार्टर का डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये मेरा क्या हुआ, एक क्वार्टर का डिस्काउंटिंग फैक्टर। 10 साल में देर आर 40 क्वार्टर्स, नाउ दिस शुड बी इक्वल टू 375.31। तो यहाँ से डी फोर का वैल्यू निकाल लो, यहाँ से डी फोर का वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालेंगे देखो, 375.31 डिवाइडेड बाय 1000 टू दी पावर 1/40, ठीक है। अच्छा, 1 माइनस दिस होल इनटू 1 माइनस दिस होल इनटू 4 इज इक्वल टू डी फोर। तो यहां से डी फोर का आंसर निकाल लीजिए। एक एक बच्चा एक्चुअलीज का, एक एक बच्चा जो हमसे पढ़ रहा है वो फेल नहीं होने दूंगा, कसम कसम फेल नहीं होने दूंगा। दुर्गा पूजा नहीं घूमूंगा चलेगा, दुर्गा पूजा नहीं घूमूंगा चलूंगा, लेकिन पढ़ना जरूरी है। अभी तो आपका एक्स्ट्रा क्लास का शेड्यूल नहीं आया है, देखोगे तो माथा घूम जाएगा। अभी तो एक्स्ट्रा क्लास का शेड्यूल नहीं आया है, अभी देखना बस खाली। गलत जगह आ गए आप लोग कोचिंग पढ़ने के लिए, गलत जगह आ गए हो। अभी तो एक्स्ट्रा क्लास का शेड्यूल देखना बस, 6-6 घंटे भी क्लास होंगे। तो D4 मेरा कितना आ रहा है, 9.681, वेरी गुड। अब 10 से 18 क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस पेमेंट स्ट्रीम, कंटिन्यूअस पेमेंट स्ट्रीम हो रहा है। हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है टाइम 0 पे। तो 10, सुनो इसका बहुत सिंपल सा एक बताता हूँ। देखो इसमें क्या है, इसका जो पार्ट 3 है बहुत सिंपल है। मेरे को V0 to 10 तो पता ही है। V0 to 10 क्या होगा, V0 to 10 क्या होगा, 375.31 डिवाइडेड बाय 1000। V0 to 10 क्या होगा, 375 जो भी है डिवाइड बाय 1000। तो मेरे को ये तो पता ही है, मतलब मेरे को पेमेंट स्ट्रीम का प्रेजेंट वैल्यू निकालने लेना चाहिए टाइम 10 पे। तो टाइम 10 पे कैसे निकालेंगे, टाइम 10 पे कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन, सॉरी 0 लिख दिया भूल से, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 10 से 18, कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 10 से 18 रोटी 100 e to the power 0.01 t, 100 e to the power 0.01 t e to the power माइनस 0.02 t-10। आई होप सो अब आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। एक्सपोनेंशियल माइनस इंटीग्रेशन टाइम टी पर जो पेमेंट हुआ है उसको 10 पर लाएंगे, तो e to the power -0.02 t-10। क्या आप लोग को ये डायरेक्टली जो मैंने किया सबको समझ में आया, ये जो मैंने डायरेक्टली किया है क्या ये सबको समझ में आया, यस और नो? ये जो मैंने डायरेक्टली किया क्या ये सबको समझ में आया, यस और नो? ये जो मैंने डायरेक्टली किया सबको समझ में आया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब इसको सॉल्व करेंगे प्लीज और इसका आंसर बताएंगे। 100 आ जाएगा बाहर, 100 आ जाएगा बाहर, e to the power 0.2 आ जाएगा बाहर, ठीक है। अब अंदर में क्या बचेगा, 10 to 18, ठीक है, e to the power -0.01 t dt, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही आना चाहिए, ठीक है। फिर इसका अल्टीमेटली आंसर निकालो कितना आ रहा है, अल्टीमेटली इसका आंसर निकालिए कितना आ रहा है, इसका आंसर निकालिए कितना आ रहा है। सब हम लोग सब फाड़ देंगे अब की बार एग्जाम में, भावना सुराना एक भी आंसर नहीं दे रही, खाली यस यस लिख रही, एक आंसर तो दो।
849 849.69 कर रहे हैं शांतनु, सब चीज कर रहे हैं, वेट करिए। हाँ 849 पॉइंट जो भी आ रहा है, अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा वी जीरो टू टेन से, अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा वी जीरो टू टेन से, तो अब अपना फाइनल आंसर जो आ रहा है वो बताना कितना आ रहा है, अपना जो फाइनल आंसर आ रहा है। वेरी गुड वर्णिका, वेरी गुड भावना, वेरी गुड। अब भावना का भी आंसर आ रहा है, प्रद्युम्न मुंद्रा, वेरी गुड। अब सब लोग इसको करके कैलकुलेट करता, 318 पॉइंट जितना भी आ रहा है, 318.9, वेरी गुड, सबके आंसर आ गए 318.9। कंप्लीट कर लो इस सम को सब लोग, कंप्लीट कर लो इस सम को सब लोग। किस रेट पे होगा शांतनु, मतलब अलग अलग रेट से, मैंने तो कैलकुलेट किया है ना, हम लोगों ने तो प्रेजेंट वैल्यू पहले ही निकाल लिया था, हम लोगों ने तो प्रेजेंट वैल्यू तो पहले ही निकाल लिया था। अपना कितना आया था, 1000 रुपया लगाया था, आई मीन सॉरी 1000 रुपया टाइम 10 पे जो था उसका जब मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाला तो कितना आया, 1000 रुपया जो आपका टाइम 10 पे था उसका मैंने जब प्रेजेंट वैल्यू निकाला 0 पे तो वो कितना आया, 375 पॉइंट समथिंग आया। तो अपने V 0 टू 10 वहां से निकाल सकते हैं ना, जो मैंने वर्किंग दिखाया था ये रहा, अपने V 0 टू 10 वहां से निकाल सकते हैं ना, ये रहा देखो V 0 टू 10 375 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय 1000, ठीक है, एक बार निकाल चुके बार बार क्यों निकालेंगे। हाँ ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोग को टाइम दे रहा हूं 15 मिनट, आप लोग सबको करना है। फोर्स ऑफ इंटरेस्ट इज 0.04 प्लस 0.02 टी, फिर है 0.05। पहले में बोला है वीटी के लिए एक्सप्रेशंस बनाइए, दूसरे में बोला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1000 ड्यू एट द एंड ऑफ 17 इयर्स, फिर बोला है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कन्वर्टिबल मंथली व्हिच इज इंप्लाइड बाय द ट्रांजैक्शन इन पार्ट 2A, अ कंटिन्यूअस पेमेंट स्ट्रीम इज रिसीव्ड एट द रेट ऑफ 10 ई टू द पावर 0.01 टी यूनिट्स पर एनम बिटवीन 6 to 10, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द पेमेंट स्ट्रीम। अब ये जो प्रेजेंट वैल्यू है अपने पहले 6 पे भी निकाल देंगे और फिर अपने इसको 0 पे भी निकाल देंगे, दोनों अलग अलग टाइम पे अपने प्रेजेंट वैल्यू उसका निकाल देंगे ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेमेंट स्ट्रीम बोला है ना, तो 6 पे भी हो सकता है और 0 पे भी हो सकता है, तो रिस्क क्यों लेंगे, एक छोटा सा लाइन के लिए रिस्क क्यों लेंगे, वी 0 to 6 मल्टीप्लाई करके उसको निकाल देंगे, ठीक है, बिकॉज अपने पास तो वी टी रहेगा ही, 5 से बड़ा वाला जो VT होगा उसमें 6 डालेंगे और V 0 टू 6 से मल्टीप्लाई करके 0 पे भी निकाल देंगे। तो इस सम को करिए, ये सम जो है अप्रैल 2010 का है, ये जो सम है ये अप्रैल 2010 का है, एंड इस सम को करने में आपको 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो आप लोग का टाइम शुरू होता है अब, आप लोग का टाइम शुरू होता है अब, करिए फटाफट से सम को करिए।
तो आइए चलिए हम लोग चलते हैं। तो जो आंसर्स आ रहे हैं, वैसे तो क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है ये वाला। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। ओके सो आई डोंट थिंक सो देर इज मच ऑफ प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है क्या सबका? ऐसा कोई है जिसको इसमें कोई डाउट हो रहा है तो मैं ले सकता हूँ उसका कोई भी डाउट? ओके सबका हो गया अलग। ओके पार्ट टू का बी, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कन्वर्टिबल मंथली। मतलब I12 निकालने बोल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कन्वर्टिबल मंथली। मतलब क्या होता है I12? हाँ तो ठीक है, बहुत सिंपल बनेगा ये तो। इसका क्या बनाएंगे देखना, अपना है ना, इसमें एक प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है तो PV एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो जो अपना आ रहा है ना, लाइक 349 समथिंग, अपने को निकालने क्या बोला है इसमें, अपने को इसमें निकालने क्या बोला है, बोलता है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कन्वर्टिबल मंथली। तो मतलब I12 निकालने बोला है, I12 निकालने बोला है इम्प्लाइड बाय द ट्रांजैक्शन इन पार्ट टू ए। ठीक है, तो मतलब ये जो अपना प्रेजेंट वैल्यू आया है पार्ट टू का ए में, इसको अपने मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस I12/12 होल टू द पार्ट 12। ये अपना 1 साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर हो गया। अब इसको कितना साल तक करना है, 17 साल तक। नाउ दिस शुड बी इक्वल टू 1000, जो कि अपना अक्यूमुलेटेड वैल्यू है, जो कि अब ये टाइम 17 का वैल्यू है। ठीक है, और जीरो पे अपना वैल्यू कितना आ रहा था मैं देख के आपको बता रहा हूँ, 349.94। सो आंसर क्या आएगा, 349.94 को जब मैं अक्यूमुलेट करूँगा, को जब मैं अक्यूमुलेट करूँगा इतना मंथ्स के लिए, तब जाके मेरा 1000 आएगा। बेसिकली पहले अपने पार्ट टू के बी में बोलने का मतलब क्या है ना, पहले उन्होंने डेल्टा को यूज़ किया, डेल्टा टी को यूज़ किया है। सो डेल्टा टी जो है, डेल्टा टी जो है उसके, ये वाला जो डेल्टा टी है ना, इसको यूज़ करके अपना जो AF आ रहा है उसके करेस्पॉन्डिंगली एक AF अपने को निकालना है, उसके करेस्पॉन्डिंगली अपने को एक AF निकालना है। अब समझ में आया सबको, उसके करेस्पॉन्डिंगली अपने को एक AF निकालना है। ओके पार्ट टू का भी अब क्लियर हुआ सबको? जो लोगों को भी डाउट था, अक्षत जैन, खुशी शर्मा, स्वाति बैद, हर्षिता अग्रवाल बोल रही है सर आई डिड डिफरेंटली,
ठीक है, इसको और भी मेथड से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप मुझे पर्सनल चैट में भेज सकते हैं 8100598543 में, मैं चेक कर सकता हूँ उसको। सो ये आप सबको क्लियर है? ओके ओके। बाकी लोगों ने क्या मैंने जैसे किया वैसे ही किया है क्या? बाकी लोगों ने मैंने जैसे किया वैसे ही किया है क्या? ओके क्वेश्चन नंबर फोर आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर फोर आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर फोर पढ़ते हैं। एन इंडिविजुअल मेक्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 4 मिलियन पर एनम इन द फर्स्ट ईयर, 6 मिलियन पर एनम इन द सेकेंड ईयर एंड 8 मिलियन पर एनम इन द थर्ड ईयर। एन इंडिविजुअल मेक्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ, अच्छा एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे को लाइक ऐसे मत बोला करो कि सर ये क्या है। आप लोग आगे मत बढ़ो, अगर आप लोग वीडियोस देख के आगे बढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन मैं लाइव क्लास में अपने पेस में ही जाऊँगा। तो आई नो कि मेरे कुछ कुछ टॉपिक्स मैं अभी एक्चुअली पहले मैंने कल लेवल एनमिटी कराया, अभी मेरे को इसमें 2-3 क्लास लगेगा बिकॉज आपके बेसिक्स के बिना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं यहाँ पर सब के लिए आया हूँ, तो सबका जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होगा हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं और सम्स कराऊंगा, मैं इंडिया के सम्स कराऊंगा, लेकिन बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। द इन्वेस्टमेंट्स आर मेड कंटिन्यूअसली थ्रू आउट ईच ईयर, मतलब कंटिन्यूअस पेमेंट्स होगा। पहला साल 4 मिलियन का, दूसरा साल 6 मिलियन का एंड तीसरा साल 8 मिलियन का। कैलकुलेट द अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 4% पर एनम इफेक्टिव। ठीक है, 4% अपने को स्टैंडर्ड रेट दे दिया है, तो अपने क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन का नंबर क्या था? दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, सितंबर 2006। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, सेप्टेम्बर 2006। तो अब अपने को करना क्या है देखना, 4S bar 1 इंटू 1+i का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, सेकेंड ईयर के लिए 6S bar 1 इंटू 1+i, और फिर क्या करेंगे 8S bar 1। ये सारे के सारे को एवेल्युएट करेंगे एट द रेट, कितना परसेंट बोला था, 4 बोला था क्या? हाँ 4%, एंड 4% डेल्टा नहीं है, आई है, आई है ये 0.04। तो बहुत सिंपल हो गया अपने लिए, तो अपने को बस खाली एस बार वन निकालना है, विच इज व्हाट, 1.04 माइनस 1 बाय डेल्टा। तो 4% अगर आई है तो डेल्टा क्या होगा, ln 1.04, डेल्टा क्या होगा, ln 1.04 यही होगा ना, ln 1.04। तो ये अपना s बार 1 का वैल्यू आ गया। हाँ इंक्रीजिंग एनविटी लगा सकते हैं हर्षिता, लेकिन इससे ज़्यादा इजी रहेगा, इंक्रीजिंग एनविटी लगा सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा इजी रहेगा। वो आई ए बार वाला फॉर्मूला ही इतना बड़ा है। आप यहाँ पर देखिए, आपको 3 साल का बोला, यही तो आपको समझना पड़ता है कि कब क्या लगाएं। जब 5 साल 10 साल 20 साल बोलेगा तब आप वो सब लगाइए, तब समझ में भी आता है, लेकिन आज के दिन पे ये सब लगाने का दरकार नहीं है, बहुत सिंपल सा समय। ठीक है, उसमें भी अपने काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे हर्षिता, सो डोंट वरी, उसमें भी अपने काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे। सो 1.04 माइनस 1 बाय ln 1.04। सो यहां से मेरा s बार 1 का वैल्यू आ जाएगा। तो कैलकुलेट करके बताइए, पूरा आंसर कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है, 18.935 आ रहा है क्या? बताना तो 18.935 आ रहा है क्या?
सबसे पहले, सबसे तेज, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में भावना सुनाना। शांतनु मनुजा, आपने 1.01 क्यों लिखा है बेटा, 1.01 तो नहीं है। सेकंड सिमरन गनोरिया, श्रुति अग्रवाल, गजब गजब, वेरी गुड वेरी गुड। वेरी 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 गुड। वेरी गुड। आज मैंने आपकी कंपाइलर की शुरुआत कर दी है, तो ये देखिए ये कंपाइलर के सारे हेड्स हैं। तो ये जो पार्ट है, अब आप लोग का होमवर्क आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। ये जो बेसिक्स वाला जो है, 1 to 17 वाला जो है, हाँ ये जो बेसिक्स वाला जो है, जो 1 to 17 पेज नंबर्स पे है, ये आपको पूरा कंप्लीट करना है, ये आपको पूरा कंप्लीट करना है। एक डाउट क्लास होगा, 1, 2, 3, 4 जितना डाउट क्लास चाहिए उतना होगा। आप लोग अब बेसिक्स पूरा कंप्लीट कीजिए। जैसे एक जन ने मेरे से रिक्वेस्ट किया परपेचुइटी, तो आप लोग मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख रहे हैं संग संग, आई रिमेम्बर, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में परपेचुइटी मैंने कराया है। बट स्टिल नेक्स्ट क्लास जब मैं आऊँगा तो सबसे पहले मैं परपेचुइटी करा दूँगा, ताकि एक बार अपने सारा चीज़ को रिकैप कर लें। सो बेसिक्स वाला जो है, अब आपको ये वाला पूरा सम बनाना है। बेसिक्स को स्टार्ट करिए, पूरा का पूरा फोकस आपको सिर्फ इस कंपाइलर पे देना है, और कुछ किसी भी चीज़ पे नहीं देना है, सिर्फ ये कंपाइलर, इसको समझ लो दिस इज द बाइबल। सो इसका जो बेसिक्स वाला पार्ट है, अब आपको इसको ख़त्म करना है। पूरे सितंबर 2019 तक के अपडेटेड क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। सो ये जो बेसिक्स वाला पार्ट है, अब आपको इसको करके ख़त्म करना है, ठीक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आई विल बी हैविंग मोर डाउट क्लासेस फॉर एवरी वन। सो थैंक यू।